एमजी हेक्टर कार को तो आप जानते ही होंगे, तो उसी कंपनी की गाड़ियों के बारे में आज मैं बताऊंगा जो कार आने वाली हैं इंडिया में। जी हाँ, एमजी कंपनी की 5 गाड़ियां आने वाली हैं जो कि 2020 तक आ जाएंगी। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं और जानिए वो गाड़ियां। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। एमजी RX5 एक SUV कार होगी। ये कार इंडिया में इस साल यानी कि 2019 दिसंबर में ही लॉन्च हो जाएगी। चाइना में RX5 में आपको 2 टर्बो पेट्रोल इंजन और इसके साथ साथ ये हाइब्रिड वर्जन के साथ भी आती है। डीजल में आपको इसमें 2.0 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजन मिलता है। ये कार ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लॉन्च होगी इंडिया में और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम कीमत होगी 14 लाख रुपये की। MG EZS एक इलेक्ट्रिक SUV कार होगी। ये कार इंडिया में 2020 के शुरुआती महीने में लॉन्च हो जाएगी। इस कार में आपको 44.5 kWh लिथियम आयन बैटरी मिलेगी जो कि आसानी से 143 पावर को जनरेट करेगी। ये गाड़ी फुल चार्ज होने पर 400 किलोमीटर तक चल सकती है और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम कीमत होगी 25 लाख रुपये के आसपास की। MG Baojun 510 Baojun 510 एक SUV कार होगी और ये कार भी इंडिया में 2020 के शुरुआती महीने में लॉन्च होगी। MG ने अनाउंस किया है कि गाड़ी इंडिया में सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में मिलेगी। Baojun 510 सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन में मिलेगी और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम कीमत होगी 11 लाख रुपये के आसपास की। MG GS एक SUV कार होगी। ये कार इंडिया में 2020 के बीच के महीने में लॉन्च होगी। MG ने अनाउंस किया है कि ये गाड़ी इंडिया में सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलेगी। MG GS सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगी और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम कीमत होगी 15 लाख रुपए के आसपास की। MG ERX5 एक इलेक्ट्रिक SUV कार होगी। ये कार इंडिया में 2020 के बीच के महीने में लॉन्च होगी। इसका इंजन टाइप है परमानेंट मैग्नेट साइनक्रोन मिलता है। इसकी पावर है 114 BHP की। ये कार भी बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह AMT ट्रांसमिशन में ही मिलेगी और गाड़ी की एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम कीमत होगी 25 लाख रुपए के आसपास की। तो MG की ये 5 गाड़ियाँ लॉन्च होंगी 2020 तक। आपको इन कारों में किस कार का इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।